क्या आप अल्कोहल एडिक्ट हैं और अल्कोहल को छोड़ना चाहते हैं? मैं डॉक्टर मयंक अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट और माइग्रेन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे जो व्यक्ति अल्कोहल के एडिक्ट हैं या अल्कोहल डिपेंडेंट हैं, वो अपना नशा कैसे छोड़ सकते हैं। इंडिया में अल्कोहलिज्म बहुत बड़ी समस्या है। लोग अल्कोहल को पहले एंजॉयमेंट के रूप में पीते हैं और धीरे धीरे अल्कोहल डिपेंडेंट होते हैं। सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि किस व्यक्ति को अल्कोहल के ट्रीटमेंट की जरूरत है। जो व्यक्ति अल्कोहल काफ़ी समय से पी रहे हैं और उनका अल्कोहल का कंजम्पशन काफ़ी समय से बढ़ता जा रहा है, या अल्कोहल पीने से उनके शरीर में तकलीफ हो रही है, उसके बाद भी अल्कोहल बंद नहीं कर पा रहे हैं, जब भी अल्कोहल बंद करने की कोशिश करते हैं उनको अल्कोहल की वजह से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अल्कोहल विड्रॉल इफ़ेक्ट्स होते हैं, अल्कोहल की वजह से वो ऐसी जगह जहाँ अल्कोहल बैन है या अल्कोहल नहीं मिलती है ऐसी जगह को जाने में अवॉइड करते हैं, उनके माइंड में असर आ रहा है, उनको डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, उनके रिलेशन सबसे ख़राब हो रहे हैं, उसके बाद भी अल्कोहल पी रहे हैं, उनका वर्क पर असर आ रहा है, मेमोरी पुअर हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन पुअर हो रहा है, सीनियर से फाइट हो रही है, अल्कोहल की वजह से एग्रेशन आ रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, उसके बाद भी अल्कोहल पीते हैं, उनको पता है अल्कोहल से नुकसान हो रहा है और कोशिश कर रहे हैं अल्कोहल कम करने की, तब भी अल्कोहल कम नहीं हो रहा है, या अल्कोहल का कंजम्पशन काफ़ी बढ़ रहा है, विड्रॉल इफेक्ट्स को कम करने के लिए अल्कोहल और ज़्यादा पी रहे हैं, उनको ब्लैकआउट हो रहा है, उनको याद नहीं रहता है कि अल्कोहल पिया और उन्होंने क्या किया। ऐसे सभी व्यक्ति अल्कोहल डिपेंडेंट हैं और उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अल्कोहल का ट्रीटमेंट के लिए पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि व्यक्ति का अल्कोहल का डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा है। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल छोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा सिम्टम्स फील नहीं करता है तो उसका ट्रीटमेंट घर पर हो सकता है। अगर अल्कोहल छोड़ने के बाद व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको एडमिट करके ट्रीट किया जाता है। अल्कोहल का ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है। अगर व्यक्ति को अल्कोहल छोड़ने के बाद सिम्टम्स काफ़ी हल्के रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति का ट्रीटमेंट घर पर कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति का स्टेज काफ़ी सीवियर स्टेज में होता है तो ऐसे व्यक्ति को एडमिट करके ट्रीट किया जाता है। जो व्यक्ति को अल्कोहल छोड़ने के बाद बहुत कम सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि उनको सिर में दर्द होना, नींद नहीं आना, हाथ में कंपन होना या पेट में दर्द होना, इसको माइल्ड स्टेज बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति घर पे मैनेज हो सकते हैं। अगर व्यक्ति को मॉडरेट टू सीवियर, जैसे कि उसका बीपी बढ़ रहा है, उसको चक्कर आ रहा है, उसको सीजर हो रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशन हो रहे हैं, कुछ दिखता है, या व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो रहा है, बीपी मेडिसिन देने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को एडमिट करके ट्रीट किया जाता है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो उसको डिटॉक्स करते हैं। डिटॉक्स में व्यक्ति को थोड़े दिन तक एडमिट रहना पड़ता है। इसके बाद व्यक्ति को काउंसलिंग की जाती है, उसको कुछ मेडिसिन दी जाती है जिससे उसकी अल्कोहल की क्रेविंग कम हो, अल्कोहल पीने की इच्छा नहीं हो, अल्कोहल पिए तो उसको मज़ा नहीं आए। एक बार व्यक्ति को डिटॉक्स के बाद उसको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स या विटामिन सप्लीमेंट्स देके नॉर्मल किया जाता है और उसकी काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग में व्यक्ति का मोटिवेशन इनहांस किया जाता है, उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या मोटिवेशनल इनहांसिंग थेरेपी के द्वारा उसका मोटिवेशन इम्प्रूव किया जाता है, क्योंकि रिलैप्स रेट काफ़ी हाई होती है अल्कोहल में। इसके लिए व्यक्ति का एक बार मोटिवेशन हाई किया जाता है, उसको ट्रिक समझाई जाती है कि कैसे व्यक्ति अपना अल्कोहल को कट डाउन कर सकता है, जिससे कि उसको ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्प मिलती है। उसके बाद कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो व्यक्ति की क्रेविंग को कम करती हैं। USFDA ने 3 मेडिसिन को अप्रूव किया है। सबसे पहला अकामप्रोसेट जो अल्कोहल की क्रेविंग को कम करता है, उसके बाद डाइसल्फ्राम जो अल्कोहल पिएगा व्यक्ति तो उसको रिएक्शन होती है, और तीसरा मेडिसिन नाइट्रोक्सोन है, ये अल्कोहल की इच्छा को कम करती है। कुछ इम्प्लांट्स भी आते हैं, जैसे नाइट्रोक्सोन इम्प्लांट्स है, जो व्यक्ति को एक बार इम्प्लांट कर दिया तो काफ़ी लंबे समय तक उसका असर रहता है। कुछ कुछ जगह डाइसल्फ्राम इम्प्लांट भी यूज़ किया जाता है जिससे व्यक्ति को अल्कोहल पिएगा तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन होती है और वो अल्कोहल नहीं पी पाता है। अल्कोहल एनोनिमस बोल के ग्रुप होता है जिसमें व्यक्ति को बोला जाता है कि वहाँ जाए और वो उसकी काउंसलिंग अटेंड करे। उसमें ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पहले अल्कोहल डिपेंडेंट थे और उन्होंने अपना अल्कोहल छोड़ दिया है, वो लोग अपनी बातें शेयर करते हैं और व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं। अल्कोहल पीने वाले काफ़ी व्यक्ति को डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम्स होती है,
अगर उनका डिप्रेशन एंजाइटी ठीक नहीं किया जाता है तो वो दोबारा से अल्कोहल में चले जाते हैं। अल्कोहल में रिलैप्स काफी हाई होता है। अल्कोहल वाले व्यक्ति को लंबे समय से ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है। एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद भी उसको रिलैप्स हो सकता है, तो उसको डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो भाइयों, कोई भी व्यक्ति जो अल्कोहल डिपेंडेंट है और अल्कोहल छोड़ना चाहता है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करे। अल्कोहल के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकता है और अपना ट्रीटमेंट कर सकता है। नमस्कार दोस्तों।